इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। महापौर विक्रम अहके हमेशा ही अपने मिलनसार स्वभाव के कारण छिंदवाड़ा के लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। इस बार महापौर विक्रम अहके एक आदिवासी बालिका की मदद को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल ग्राम में ईसरा उमरिया में भाई दूज पर आदिवासी समाज के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम अहके ने शिरकत की थी, जहाँ पर एक नन्ही बालिका दीपिका वाडिवा का भाषण और नृत्य देख के वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने दीपिका से मुलाकात की और उसके परिजनों और पढ़ाई के बारे में चर्चा की। जब उन्हें पता चला कि दीपिका के माता पिता मजदूर है, तो उन्होंने दीपिका को अपनी छोटी बहन बताते हुए उसके पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात कही। कृपया आप सभी मेरे साथ जादू टोने के शक में पांडुना के ग्राम ढोलन खापा में गुरुवार को मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि ढोलन खापा ग्राम में पिछले 5 महीने में 14 लोगों की मौत हुई थी। इस बात को लेकर गांव में गुरुवार को चौपाई बिठाई गई थी, जहां पर 3 संदिग्ध लोगों पर पंचायत ने गांव में जादू टोना करने का आरोप लगाया था। चौपाल के बाद जादू टोना दूर करने के लिए गांव के इन संदिग्ध लोगों को गांव से बाहर ले जाकर बुरी तरह से कुछ लोगों के द्वारा पीटा गया था, जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त बालाघाट के दामो इवरांति के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय 3 लोगों के साथ मारपीट की थी और इसमें 3 लोग घायल हुए थे। बाद में प्राप्त जानकारी के अनुसार घायलों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इसमें धारा 302 और अन्य संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और मामले की विवेचना चल रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। कलेक्टर के सामने ग्राउंड में जिला स्तरीय सहायक उपकरण चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और जिला पंचायत सीईओ हरिंद्र नारायण के मार्गदर्शन में इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 254 दिव्यांगों का पंजीयन किया गया और 104 दिव्यांग सहायक उपकरण के लिए चयनित किए गए। साथ ही 16 दिव्यांग जनों के लिए UDID कार्ड बनाए गए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, एडिशनल सीईओ SK गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। हमारे जिले के बहुत सारे ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो पात्रता रखते थे, चाहे ट्राईसाइकिल हो या अन्य उपकरणों की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, दिव्यांग साथियों को जानकारी नहीं थी या वो पहुंच नहीं पाते थे। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए लगातार शिविर के आयोजन किए गए। यहाँ पर मुख्य रूप से जो चिन्हांकन शिविर लगा है वो ऑर्थोपेडिक्स के रूप में लगा है। इसमें जो मोटराइज ट्राईसाइकिल है उसका चिन्हांकन भी किया जा रहा है। मोटराइज ट्राईसाइकिल एडेप्ट योजना के तहत इसमें कुल 42,500 रुपये की लागत रहती है, जिसमें 17,500 रुपये जन सहयोग, सांसद विधायक निधि अथवा जो भी योजना है उसके योजना के माध्यम से उनको जन सहयोग लगता है। नए बैल बाजार क्षेत्र में 2 नाबालिग बच्चों में खेल के दौरान विवाद हो गया, जिसके बाद एक नाबालिग ने अपने दूसरे साथी को घर से कट्टर लाकर गले में बुरी तरह से मार दिया। घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लड़ा हुआ था पहले, फिर दोनों को अलग कर दिए तो कट्टर लाके मार दिया उसकी। कहां हुआ था झगड़ा? नया वेले यार से। काय के ऊपर से हुआ था? वो खेल रहे थे तो पता नहीं काय काय से कर दिया, उन्होंने खुद ने कट्टर लाके मार दिया। जमुनिया में अपने घर की मरम्मत कर रहे एक मजदूर के ऊपर दीवार गिर गई, जिसमें वह बुरी तरीके से घायल हो गया। रिश्तेदारों के द्वारा उसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मैं काम कर रहे थे, दीवार गिर गई, घर में सब हते भाभी भैया। RTO विभाग द्वारा शुक्रवार को छिंदवाड़ा मरवाड़ा मार्ग में वाहनों की चेकिंग की गई। जांच के दौरान RTO अधिकारी ने बिना परमिट चल रही एक स्कूल बस और 2 यात्री बसों पर कार्रवाई की है, जिन्हें जब्त करते हुए सिंगोड़ी पुलिस चौकी में खड़ा किया गया। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट।
डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, फ्री डेज, फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इमली खेड़ा में नगर पालिका निगम के द्वारा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है। 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक हितग्राहियों को मकान नहीं दिए गए हैं। जल्द मकान दिए जाने की मांग को लेकर हितग्राहियों ने आज महापौर विक्रम अहकी और निगम कमिश्नर राहुल सिंह से मुलाकात की। माँ बाप ने हितग्राहियों को जल्द मकान हैंड ओवर किए जाने का आश्वासन दिया। 4 साल हो गया है और अभी भी आधा काम लगभग हुआ है। इसके बाद अब नगर निगम का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन नगर निगम ने जब 31 लाख में हमें मकान दिया था तो हमारा ये कहना था कि हमें 31 लाख और जो 32 लाख है उतनी ही राशि में मकान दिया जाए। इसके लिए हम लोग आज माननीय महापौर जी से, नगर निगम कमिश्नर से, नगर निगम अध्यक्ष से सभी हितग्राही मिले थे। इन्होंने हम स्थल निरीक्षण भी किया और उसके बाद कहा है कि जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया था उनकी जाँच की जाएगी और जहाँ गलती हुई है। नगर पालिका निगम के द्वारा जेल बगीचे में लाखों रुपए खर्च करते हुए यहां पर सब्जी बाजार शिफ्ट किया गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब्जी व्यवसायी इस सब्जी बाजार में दुकान लगाने की बजाय वापस सड़कों पर लौट आए थे। निगम कमिश्नर के निर्देश पर दोबारा फुटकर सब्जी व्यवसायियों को सड़क से हटाकर जेल बगीचे में शिफ्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने छिंदवाड़ा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में कांग्रेस मेयर विक्रम अहाके और कांग्रेस विधायक नीलेश उइके की जमकर तारीफ की है। इसका वीडियो सामने आया है। दरअसल छिंदवाड़ा शहर के वृंदावन लॉन में आदिवासी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके चीफ गेस्ट थी। वे जनजातीय प्रतिभा सम्मान और सामाजिक मिलन समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने महापौर श्री अहाके के बारे में और उनके जीवन के बारे में सुना है। इस बड़े पद पर पहुंचने पर उन्होंने सभी को गौरवान्वित किया है। जब भाई महापौर के पद पर विक्रम अहाके और उसकी जीवन का मैंने जब पढ़ा और वो जीता तो मैंने सार्वजनिक तौर पर युवाने में बधाई दी कि कम से कम आदिवासी समाज का हमारा युवा आज महापौर। जिले में दीपावली पर्व के बाद भाई दूज से पारंपरिक अहिरी नृत्य की शुरुआत होती है, जिसमें यादव समाज के लोग घरों में जाकर परंपरागत अहिरी नृत्य करते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में मड़ई और मेले की शुरुआत भी हो गई है, जिसे लेकर क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। परंपरा निभाते चले आ रहे हैं, ये परंपरा हम लोग भी चला रहे हैं। ये कौन लोग करते हैं और कब तक चलता है? ये 11 तक चलता है, हमारा 11। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत 100% पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन जुनारदेव जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।